नजरें शब्द का अर्थ है आंखें, नजारे शब्द का अर्थ है दृश्य। हमारे दुनिया के विविध दृश्य विविध आंखों से हम देखते हैं। एक घटना या बात विविध लोग विविध दृष्टि से देखते हैं, तो उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति के अनुसार इस दृष्टिकोण में अलगाव आ जाती है। दुनिया के दृश्यों को अलग अलग दृष्टि से लोग देखते हैं, इसलिए इस इकाई का नाम रखा नसरेम नसारे। इस इकाई का पहला पाठ है एक कविता, वो तो अच्छा हुआ। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि भगवत रावत की कविता है, बहुचर्चित कविता है। इस कविता का सार इस प्रकार है, एक संगरी गंदी गली में एक बच्चा फिसल कर गिर पड़ा है। बच्चा वहां पड़कर रो रहा था। वो संगरी है, गंदी है गली। बच्चा गिर पड़ने से वो गली और भी संगरी हो गई। वहां लोग उस बच्चे का रोना सुनकर, बच्चे की रुलाई देखकर लोग वहां इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी आदमी उस बच्चे को लेकर उसे आश्वासन करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे। ये गली की और एक विशेषता है, इस एक गली नगर पालिका में नहीं थी, माने यह गली उपेक्षित है, गरीब लोगों की गली है, अनपढ़ लोगों की गली है। वहां नगर पालिका के लोग देखते तक नहीं, उपेक्षित गली है, वहां रहने वाले लोग भी अनपढ़ हैं, बहुत गरीब हैं, इसलिए नगर पालिका की ओर से वो उपेक्षित हुई है। वहां कोई भी उस बच्चे को लेकर आश्वासन करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग दूर से देख रहे हैं, यही तो इस बच्चे की अवस्था है। बच्चे तो जोर जोर से रो रहा है, उसकी रुलाई सबका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करने योग्य है। सब लोग उसे देखते हैं लेकिन उसे उठाता नहीं। यह बात फैलते फैलते हमारे अकबर वालों की कान तक पहुंची। अखबार वाले इस घटना को इस प्रकार बदल दी ही कि किसी ने एक अबोध बच्चे को, एक नादान बच्चे को संगरी गंदी गली में छोड़कर चले गए, कोई छोड़कर चले गए हैं, ऐसा समाचार अखबार वालों तक पहुंचा। तो सौभाग्य है कि, सौभाग्य की बात है कि उस समय वहां कोई चैनल नहीं थे,
तो कवि ने इसे सौभाग्य की बात कहते हैं। तो उस गली में सुविधाओं की कमी है, इसलिए वहां चैनल वगैरह नहीं है, लेकिन कवि ने इसे सौभाग्य बताया है। तो चैनल न होना सौभाग्य की बात नहीं है, फिर भी कवि ने सौभाग्य बताया। वे कहते हैं यदि चैनल के आदमी होते तो उसी वक्त वहां आ धमकते, तो संगरी गली अधिक संगरी हो जाती और वहां के लोग भी, चैनल के लोग भी वहां इकट्ठे होते। इसलिए कवि कहते हैं वहां कोई चैनल वाले नहीं थे, इसलिए वे नहीं आथमकते। और एक बात है, इस घटना जब खड़ी हुई है उस समय नगरपालिका में महापौर का शपथ समारोह चल रहा था। तो नगरपालिका के महापौर और नगरपालिका के अन्य सदस्य और समाज के अन्य लोग नगरपालिका में शपथ समारोह में भाग ले रहे हैं, इसलिए वे भी यहां नहीं आए। इसके बीच बच्चे की मां बीड़ी बनाते बनाते उसका कचरा फेंकने के लिए बाहर आई। उसकी मां तो बीड़ी बनाने का काम करती है, बीड़ी बनाते बनाते उसका कचरा जो बाकी हुई है उसे छोड़ने के लिए, बाहर फेंक देने के लिए वो मां बाहर आई। तो अपने बच्चे को संगरी गंदी गली में कीचड़ भरे पड़ा देखा। उसने उस बच्चे को उठाया और दो थापड़ मारा और खींच कर घर के अंदर ले गई। मां बच्चे को दो थापड़ देकर अंदर खींच कर ले गई। वरना, अंत में कवि एक शब्द का प्रयोग किया है, वरना माने नहीं।